वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आगे कंटिन्यू करते हुए आइडियल गैस इक्वेशन लेंगे। आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण को डिराइव करने के लिए हमें तीनों गैस लॉस को एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। चार्ल्स लॉ में एट कॉन्स्टेंट प्रेशर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एंड इन एवोगैड्रोस लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इन तीनों लॉज को कंबाइन करके हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आती है। तो इन तीनों को कंबाइन किया तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P। एंड प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा R। तो PV अपॉन T इक्वल्स टू NR। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PV इक्वल्स टू NRT। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे R कांस्टेंट है जिसे गैस कांस्टेंट कहते हैं, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, T टेम्परेचर, P प्रेशर एंड V वॉल्यूम। सो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट हम लेंगे मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी फर्स्ट पोस्टुलेट, गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। गैसेस जो छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती है उन कणों को अणु बोलते हैं। और किसी एक गैस के सारे अणु एक समान होते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स आर सेम इन अ गैस बट डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर गैस। और दूसरी गैस के मॉलिक्यूल से डिफरेंट होंगे बट एक पर्टिकुलर गैस में सारे मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। देन सेकेंड पॉस्टुलेट, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, गैस के मॉलिक्यूल्स का आयतन इज नेग्लिजिबल, नगण्य टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के वॉल्यूम के कंपेयर में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से हमें ध्यान रखना है क्योंकि आगे वंडरवॉल इक्वेशन में भी इसको हम रिकॉल करेंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि जो गैस का जिस कंटेनर में गैस भरी हुई होती है उस कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है, पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है उसके लिए कहा गया है कि वो नगण्य होता है गैस के वॉल्यूम की तुलना में। देन थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर सॉलिड, स्फेरिकल एंड कम्प्लीटली इलास्टिक विच हैव नो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रिजिड माना गया है, सॉलिड स्फेरिकल गोलाकार होते हैं और कम्प्लीटली इलास्टिक होते हैं। कम्प्लीटली इलास्टिक से मतलब है कि उन जब भी कॉलिजन होगा उनमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। विच हैव नो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स, ये कहा गया है कि यहाँ पे किसी तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं रहेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जीरो। कॉलिजन्स आर इलास्टिक मीन्स नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देन फोर्थ पॉइंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, पर ये अपने पथ से कब डेविएट होंगे, जब या तो वो कंटेनर की वॉल से कोलाइड हो, उनकी टक्कर कंटेनर की वॉल से हो या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से हो, तभी वो अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं, अदरवाइज मॉलिक्यूल्स एक स्ट्रेट पाथ में ही चलते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दे डेविएट्स फ्रॉम इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली ऑन कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और विद अदर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है अपना, प्रेशर ऑफ द गैस इज द रिजल्ट ऑफ द हिट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बाय द मॉलिक्यूल्स। इसमें ये बताया गया है कि गैस के प्रेशर से हम क्या समझते हैं। गैस का प्रेशर, जिस कंटेनर में गैस भरी हुई है उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार कंटेनर की वॉल पे हिट करते रहते हैं, और जो ये हिट कर रहे हैं इसी की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा और इसी को ओवरऑल गैस का प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर हम जानते भी हैं, इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जितने भी हिट्स मॉलिक्यूल कर रहा है दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस।
सिक्स्थ पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल ऑन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स नगण्य होता है। सेवन्थ पॉइंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स हम इसको डिग्री केल्विन में लेते हैं। यदि हम कहेंगे जीरो डिग्री केल्विन, इट मीन्स उसको सेंटीग्रेड में करें तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सब्सिक्वेंटली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिल गया कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। देन लास्ट पॉइंट, ऑल मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी एंड एनर्जी। सभी मॉलिक्यूल्स की अपनी अपनी वेलोसिटी होती है और एनर्जी होती है। थैंक यू।